हाँ जी बाबा, जो अष्टदेवंग के बारे में आर्टिकुलेशन हो गया, अष्टदेवंग के बारे में कुमार चाणक्य ने बोल दिया, अष्टदेव प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो गयी, तो उसमें सिर्फ कुमार कुमार आदि आदर कुमार भी आ सकते, आदर कुमार आ सकती, क्यों नहीं आ सकते? आदर कुमार सरेंडर नहीं हो सकते क्या? आदर कुमार को सरेंडर होने के लिए मना कर दिया क्या जी? जो सरेंडर होते हैं सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए, वो राजघराने में आते हैं। ये तो कोई नियम नहीं बताया कि अदर कुमार अदर कुमारियां सरेंडर नहीं हो सकते। और उनको सहजता से कैसे पहचान लेंगे? सहजता से कैसे पहचान लेंगे उनको? उनका मुख्य गुण कौन सा होगा? नष्टो मोहा, सहनशीलता तो ब्रह्मा बाबा से ज्यादा किसी में नहीं थी। तो क्या अष्टदेव हो गए? नहीं हुए। और दादा, और इसको स्नेह संगठन लेंगे कौन? तो अष्टदेव बोला है प्रत्यक्ष हो गए, बाहर भी हो सकते हैं बुद्धि से वहां पर लेकर? अगर बाहर होंगे भी तो भी अंदर आ जाएंगे। लास्ट तो फास्ट चले जाएंगे। अभी तो कहा कि वो सरेंडर होंगे ऐसा कहा ना, अष्टदेव सरेंडर होंगे ऐसा कहा ना? अष्टदेव नहीं, जितने भी 16108 राजघराने में आने वाले वो सब सरेंडर होंगे। भले लास्ट में सरेंडर हो तो भी लास्ट तो पुरुषार्थ में फास्ट जाने वाले होंगे। अभी जो एनएस में जाते हैं तो जो 25,000 का सूर्यवंश का ग्रुप बताए, जो 25,000 का सूर्यवंश का ग्रुप बताए, 25,000 4,500 को डिवाइड किया, 50,000 सूर्यवंश बचे, 4,500 सूर्यवंश नहीं बनेंगे मतलब पक्के से? पक्के से 50,000। तो जो एनएस में जाते हैं अभी वो वही वही है, 50,000 में एनएस में पहुंच गए होंगे? नहीं नहीं, अभी जा रहे थे करके। तो 50,000 की बात क्यों शुरू कर दी? नहीं अंत में मतलब जो एनएस में अभी जा रहे हो मतलब वही सूर्यवंशी बन गए जो दूसरे धर्म के बीच वगैरह होंगे वो एनएस में जाने वाले फिक्स हो गए क्या है? वो उतर करके वापस नहीं जा सकते, भागंती नहीं हो सकते बाबा? आप लिए किसको कहेंगे? आप लिए किसको कहेंगे? आपकी किस स्थिति है ना? कोई मुरली का शब्द नहीं है, एनएस कोई मुरली का शब्द नहीं है, ये तो नया संगठन बताई दिया कि नई दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए जो फाउंडेशन डालने वाली एडवांस आत्माएं हैं उस संगठन का नाम क्या रख दिया? एनएस माने शॉर्ट नेम नया संगठन। हाँ मन बुद्धि की बात तो मन बुद्धि तो 500-700 करोड़ सभी को है, क्या पूछना चाहते हैं? जो नए संगठन में जाकर फिर बाहर की दुनिया में वापस चले जाते हैं उनका क्या फायदा फिर नए संगठन में जाने का? और नीचे गिर जाते हैं। भक्ति के गड्ढे में जाने के संस्कार कुछ बचे हुए होंगे
तो वो पूरे हो जाएंगे। आज टाइम बेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो बाबा। लेकिन एनएस में भी बाबा ही भेजते हैं ना, एनएस में भी बाबा ही भेजते हैं ना करने। बाबा भेजते हैं काशी के लिए, क्या गायन है जो मरते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं तो बाबा मारते हैं। नहीं हाँ, अभी जो एनएस में जो जो जाते हैं वो देह अभिमान से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से बुद्धियों को खुद ही तोड़ते हैं कि बाबा तोड़ते हैं? खुद ही तोड़ते हैं। लेकिन सिलेक्शन तो देह के बाबा सिलेक्ट करते हैं, माने बाबा पार्सलिटी ही करता है कि कोई को सिलेक्ट कर लेता है, कोई को रहने देता है, हैं? बाबा को समझता है ना इसमें क्या, इसमें देवान खत्म हो गया है तो प्रूफ क्या है इसका? आखिर फिर भी प्रूफ तो वही निकलता है कि दुनियादारी से मोह नष्ट किनका हुआ है नंबर वार। नंबर वार जिनका मोह नष्ट होगा वो ही तो छोड़ छाड़ करके जावेंगे। बाबा हनुमान ने पाव जमाया ना रावण की सभा में। हाँ शास्त्रों में दिखाते हैं जमाया तो अंगद ने, किसने? अंग द, जिसने अपने अंग अंग को ईश्वरीय सेवा में दे दिया उसने बुद्ध रूपी पांव जमा दिया। फिर रावण हिला के दिखाए। हाँ तो नहीं तो ब्रह्मा बाबा को हनुमान बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा को हनुमान बताया ना। हाँ और फिर उनको ही रावण बताते हैं, फिर ऐसे क्या ब्रह्मा के बाप को रावण नहीं बताया तो बता दिया सब मनुष्य मात्र सभी रावण है। किसकी सभा में पाव जमाए हैं? किसने किसकी सभा में पाव जमाए? नंबर वार हैं पाव जमाने वाले के एक ही है। शुरुआत तो कोई करेगा तो शुरुआत कौन करेगा तुम पता नहीं है? आखिर कोई नारायण बनेगा या नहीं बनेगा पहला? तो जो पहला नारायण बनेगा वही शुरुआत करेगा। हाँ वो पहला हनुमान होगा। हनुमान गए तो पहला महावीर गए तो और बाबा अभी मुरली में बोला ना जमीली और बाजारी बैल दोनों मिल गए। अजामिली स्त्री और पुरुष दोनों मिल गए। स्त्रियाँ वैश्याएं बन गई और पुरुष अजामिल बन गए। दोनों मिल गए बोला ना। हाँ किससे मिल गए? माया से मिल गए। माया जो बकरी का रूप है, मैं करने वाली है, उससे मिल गए। आजा मिली नहीं हो गई, वो तो आजा है ही, माया तो है ही आजा। भगवान की बात सबसे ऊंचे अपने को कौन समझती है? माया ही तो अपने को सर्वशक्तिमान समझती है, और है भी कि नहीं है? वर्तमान में है भी, जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान तो अभी तो है। जब बच्चे गीत पहन लेंगे तो नहीं रहेगी। और बाजारी बैल किसको बोलते? बाजारी बैल पुरुषों को। ऐसा किनके हाथ में रहता है? बाजार पैसा के आधार से चलता है कि बिना पैसे के आधार से चलता है? पैसे के आधार से बाजार चलता है।
तो पैसा स्त्रियों के हाथ में रहता है, पुरुषों के हाथ में रहता है? पुरुषों के हाथ में रहता है। और तो पहला पुरुष प्रजापिता, तो वो प्रजापिता और कुमार सब आदि मिले थे क्या कहीं? यज्ञ के आदि में कुमार का दादी नहीं थी क्या? अगर नहीं थी तो कुमार का दादी प्रजापिता के नाम से डरती क्यों थी? जब एडवांस ज्ञान निकला, पहले तो प्रजापिता का पीयू का नाम बहुत बोलते थे, फिर बाद में बोलना एकदम, तो इतना डर डर काहे का था? किस बात का डर था? प्रजापिता क्या डर था प्रजापिता का? सच्चाई बताएगा। अरे अजामिली बनी होगी ना, तो नाक कट जाएगी ना। रामपुरी काला नहीं बनती है वो बेविचार नहीं बनती है क्या? आज तो बताया काले बनते काई से, बेविचार से काले बनते हैं। कामना तो सतयुग में भी होती है, सतयुग बच्चे पैदा नहीं होते क्या? भावी बच्चे पैदा होते हैं। हम तो तक राधा काली नहीं बनती, हम तो तक राधा काली नहीं, क्या नहीं बनती है? अरे दुनिया में 500-700 करोड़ पत्ते हैं, सब पत्ते एक जैसे होते हैं या अलग अलग क्रियाकलाप वाले होते हैं? तो कोई ऐसा पत्ता भी तो होगा जो जन्म जन्मांतर एक आत्मा के साथ ही स्त्री पुरुष के संबंध में रहे। तो ऊपर बैठ करके आकाश में बैठ करके एकदम वासुदेव के पीछे ही पड़ गया। हाँ बोलो क्या कह रहे? हाँ ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ऊपर नीचे जब हो रहे होंगे उस समय बोला कि अभी ऊपर नीचे हो रहे होंगे? अभी की बात पूछे तो बाबा ने अभी की अष्टदेव की बात बोली थी या कई साल पहले बोली थी कि जो अष्टदेव हैं वो भी ऊपर नीचे हो रहे हैं? अभी अभी आप अभी अभी डाउन उस समय बोला था या अभी बोला है? उस समय बोला था। बीजी महाराज से चार आते हैं और सूर्य से चार अध्याय ऐसा है क्या? अच्छा देव है तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? तो निवृत्ति मार्ग के अगर रहे हैं सूर्यवंशी सिर्फ, तो उनको देव कहेंगे? देव बनने के लिए उन्हें माता गुरु को माता गुरु बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? पवित्रता अगर जीवन में धारण करनी है देवों को तो माता को गुरु, अपवित्रता पर जीत पाने के लिए माता को गुरु जरूर बनाना पड़े। तो जो गुरु बनाया जाएगा वो ऊंचा या चेला ऊंचा? तो उसको आगे नंबर नहीं देंगे? इसलिए भारत में माताओं को आगे रखते हैं। ये हाई मातृ प्रधान देश, और देशों में माताओं को आगे नहीं रखते हैं।
जरूरी आत्मिक स्थिति की बात है या मेल फीमेल की बात है, कौन से पुरुषार्थ की बात है? जो आत्मिक स्थिति पहले धारण करे वो यश देने आएंगे। हाँ पुरुष जो है वो राइटियस हुए स्त्रियों के मुकाबले या लेफ्टिस्ट हुए? लेफ्टिस्ट हुए, मतलब चार ब्रह्म को फल करने वाले होंगे और चार बाप को फल करने वाले होंगे। ब्रह्मा बाबा के जो सूक्ष्म शरीर है और उनकी आत्मा है, उसमें आत्मा तो बलशाली होनी चाहिए, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर हावी होने का क्या? आत्मिक स्थिति उनकी बनी है? नहीं बनी नहीं है। तो जो जो 69 तक जो उनका पुरुषार्थ था उसमें आत्मिक स्थिति की पावर ज्यादा थी या देह अभिमान की पावर ज्यादा थी? तो लंबे समय की पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय की पावर कौन सी हुई? देह अभिमान की ज्यादा हो गई, तो देह अभिमान ही अंत तक को अर्चन डालता रहेगा। इस्लाम धर्म की जो आत्मा होगी उसको काम विकार ज्यादा अर्चन डालता रहेगा, मुस्लिम धर्म की आत्मा होगी उसको लोह विकार अर्चन डालता रहेगा। चढ़े का फिर अमृत रस गिरे तो सकना थी विस्तार से क्या किसके ऊपर लागू माना जो पवित्रता की स्टेज में चढ़ता जाए तो अमृत रस का अनुभव करता जाए, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता जाए तो खुशी आएगी या दुखी होगा? तो चढ़े तो क्या के अमृत रस और गिर गया शक्ति क्षीण हो गई, आत्मिक स्थिति से देवान में गिर गए तो मनन चिंतन मंथन करना बंद हो जाएगा। किसके ऊपर लागू होता है? किसके ऊपर लागू होता है? सभी के ऊपर लागू होता है। पूछा है अगर एक साल तक सिर्फ बड़े संगठन में जाएं और छोटे संगठन में न जाएं, माने महीने में जो बड़ा संगठन होता है उसमें जाएं और छोटे संगठन में न जाएं तो क्या दोबारा बत्ती करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। जाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं जाओगे तो तुम्हारा फायदा होगा। बड़े संगठन में दो महीने में एक बार जाओगे तो भी बत्ती नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुरली में बोला है जो बच्चे दो महीने तक चिट्ठी भी नहीं लिखते तो मर गए। अब दो महीने में बड़े संगठन में एक बार तो आ जाते हैं, मोहरा तो दिखाई जाते हैं परिवार के और बाबा मोहरा तो देख लेते हैं। तो मरे हुए कहे जाएंगे जिंदा कहे जाएंगे? है जिंदा है तो जो जिंदा है उनको भर्ती करने की दरकार है फिर? नहीं, भर्ती करना माने गर्भ में जाना, जैसे वो 9 महीने की भर्ती होती है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट तो लो और सहज कर दिया। तुम तो 1 ही महीने के लिए पूछा और बाबा ने तो 2 महीने की छुट्टी दे दी। चलो 2 महीने में तुम 1 ही दिन संगठन करो, मत आओ। जितना कायदा उतना फायदा। रोज संगठन अटेंड करेंगे तो पक्के हिंदू धर्म की, और रोज न किया है दूसरे तीसरे सप्ताह में 2-4 बार किया
तो कच्चे हिंदू धर्म के असत्ता हमें एक बार ही किया संडे संडे या जुम्मा जुम्मा, तो कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियन तो बने रहेंगे। तो प्लानिंग बना रहे हैं, ये महीने में एक दिन आए तो चलेगा क्या? तो बाबा कहते अच्छा तुम दो महीने में एक बार आओ। कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं और कहते हैं हमारे पांव छुओ, अगर हम पांव नहीं छूते हैं तो उनको अपमान लगता है, लेकिन बाबा ने तो मुरली में कहा है। इसी के आगे नहीं झुको, बाबा ने इसे बोला है, है? बाबा ने तो नहीं बोला, हाँ ये बोला है कि माथा नहीं झुकाना है, कोई के सामने माथा नहीं झुकाना है, माथा सिर्फ शिव बाबा के सामने। तो माथा झुकाने का मतलब क्या है? बुद्धि से झुकाना, झुकना, बुद्धि को झुकाना माने एक की बात मानना, दूसरों की बात नहीं मानना। तो पांव छूने वाली बात जो पूछी है उसमें अगर कोई पांव छू लेता है अंदर से शिव बाबा को याद करता रहता है और पक्का कहता है हम इसकी बात तो जिंदगी में कभी नहीं मानेंगे जिसके पांव छूते हैं, हम तो शिव बाबा की बात मानेंगे, तो वो श्रीमत पर चल रहा है या श्रीमत की अवहेलना कर रहा है? श्रीमत पर चल रहा है। क्या पूछता है? है विष्णु? हाँ हाँ हाँ, खड़ा इसीलिए देखा है, पवित्रता में खड़ा रहता है, पवित्रता में गिर जाता हूँ। जब शक्ति का पतन हो जाता है ना तो आदमी की क्या हालत हो जाती है, आदमी औरत की है? गिर जाते हैं, आराम चाहिए लंबे टाइम का, पड़ गए। तो विष्णु खड़ा है, विष्णु पवित्रता की स्टेज में खड़ा है या पड़ा है? खड़ा है, खड़ा है। और ब्रह्मा जी और शंकर जी है न पड़े हैं न खड़े हैं, मीडियम में बीच में चल रहे बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं? और हाँ जी बाबा, भारत में बहुत सारे सत्संग मैंने सुने देखे है? सुने देखे सत्संग, लेकिन बहुत सत्संग सुने और देखे। हाँ जी हाँ, लेकिन एक ही सच्चा सत्संग है, आप जब बाप जंगल में आया तेरा वो सत्संग है कि मैंने अपने मन में सिद्धार किया, और इसके लिए मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हैं ये? सही बात है, बोल। अरे सही बात है, तो समझ में तो आए पहले, किसी को समझ में आई क्या कह रहे हैं ये? अरे कोई भी सत्संग होना दूसरा उसके साथ में कोई भी बात पे जॉब प्रश्न उत्तर जॉब करने ले रही हूँ, और सत्संगों में प्रश्न उत्तर करने की इजाजत नहीं होती है। ये बाबा जब आते हैं तो कहते हैं कि प्रश्न उत्तर करो, कोई बात का अटकती है तो उसको पूछो। बोलना थोड़ी है, वो तो है। और कोई सत्संग ऐसा बोलना चाहता है हम ऐसा 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 करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन अगर सही होगा तो उनको आप करने देंगे, नहीं तो उनको ऐड करेंगे ना,
रुक गई ना। ओके थैंक यू। अपना संगठन जो है वो सच्चा है, सत्संग है वो सच्चा है, दूसरे जो है उनके यहाँ इतना ये नहीं। अगर वो कुछ कहेंगे कि हमारा सत्संग अच्छा है तो मैं उनसे ये करूँगा, ये प्रश्न करूँगा कि तुम्हारे सत्संग में प्रश्नोत्तर करने की इजाजत है, है? वो कहेंगे नहीं तो झूठा है। और सत्संग करने की, सत्संग में प्रश्नोत्तर करने की इजाजत है तो हम तुम्हारे गुरु के सामने प्रश्न करेंगे तो पता लग जाएगा ये झूठा है या सच्चा है। लेकिन तुम दुनिया भी कोई व्यक्ति आ जाए जिसने साप्ताहिक कोर्स न किया हो, एडवांस कोर्स न किया हो, तो तुम उसको इजाजत दोगे? तो वो ये भी पेज रखेंगे कि जैसे तुम हमको चैलेंज करते हो तो हम भी तुम्हारे सत्संग में आके बैठेंगे, हम भी प्रश्न करेंगे और ऐसे ही वो कहेंगे कि हमारे आगे गुरु गुरु से मंत्र लो। आपको हमारे सत्संग में आना है ना सज्जन, वो भी यही कहेंगे अगर तुमको हमारे सत्संग में आना। जब आपको से अगर आपको झूठे रहे तो हम शायद पीछे हटेंगे, अगर आपको झूठे कर रहा तो हम पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे। हाँ तो वो भी यही कहेंगे हमारे, हमारा भंडारा चल रहा है पहले खाना खाओ जी। हमारा ये नियम है, हमारे स्कूल का ये नियम है कि तुम हमारा भंडारा चल रहा है उसमें खाना खाओ, पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम ये है कि हमारी सत्संग को अटेंड करो और जो गुरु जी मंत्र देते हैं वो मंत्र करो। मंत्र आगे क्या मंत्र फिर तुमको परमिशन देंगे प्रश्न पूछने की, अब तुम जब सर घुसवाने लगे ये कोई बात नहीं। और बाबा कहते हैं किसी के सामने माथा नहीं झुकाना है, लेकिन बाबा किसी को पेट का दर्द है तो मैं उनको पैर में, पैर से दर्द कम करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा माने पीठ में दर्द है तो पाँव से दबा देती हूँ तो लोगों को आराम मिलता है। लोगों को माने बहुत लोगों को दबाते हैं क्या? अच्छा जब पायलू बोलते हैं ना बाबा, पायलू पैर से पैदा होते हैं ना, उन लोगों से ऐसा आराम होता है, ऐसे बोलते हैं कि वो पाँव लगाने से आराम हो जाता है। तो लोगों को आराम मिलता है लेकिन उनको पैर लगता है तो मुझे उनके पैर पड़ना पड़ता है, तो उसकी शूटिंग क्या होती है? उनको पाँव लगता है ना तो मुझे पैर पड़ना पड़ता है, तो कोई बात थोड़ी है। शूटिंग शूटिंग संकल्पों से होती है या प्रैक्टिकल इंद्रियों से होती है? संकल्पों से शूटिंग होती है। तुम्हारा संकल्प क्या है, उनको सुख देने का संकल्प है या दुख देने का संकल्प है? उनको सुख देने का संकल्प है ताकि उनका दर्द बंद हो जाए, ये तो अच्छा संकल्प है। तो इसकी शूटिंग ये थोड़ा ही होगी, वो तुमको पाँव लगाएंगे। जो पाँव लगाती है ना तो वो खुद उनका पाँव पड़ती है क्योंकि मेरे पैर लग गए, तो इसकी शूटिंग क्या होगी, पैर पड़ना या नहीं? अरे पाँव लगाया तो इसका उल्टा जवाब ये नहीं होगा कि वो हमको पाँव लगाएंगे, ये संकल्पों की शूटिंग की बात है। संकल्प जो है तुम्हारा ये है पाँव लगाने का कि उनको सुख मिल जाए, दर्द बंद हो जाए, अच्छा संकल्प है ना? तो अच्छे संकल्प का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ऐसे साधु संत महात्मा बोलते हैं। कैसे हैं कुंडलिनी जो है वो 8 चक्र हैं शरीर में करके तालू से लेकर के और रीढ़ की हड्डी के नीचे तक, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडलिनी सोई पड़ी है,
वो जागृत होती है तो ऊपर की ओर भागती है, और जो सबसे ऊपर का चक्र है सहस्रार, उसमें प्रवेश कर जाती है तो सदगति हो जाती है। ऐसा आज तक किसी का हुआ तो नहीं। ये कपोल कल्पित बातें बनाई हैं। अगर एक का हुआ होता तो उसके चेलों का भी हुआ होता। ये कुंडलनी शक्ति कोई चीज नहीं है। शरीर की हड्डी के नीचे की ओर स्त्री और पुरुष की रजवीर की शक्ति समाई हुई है, जो शक्ति क्षीण हो जाती है देह अभिमान के कारण। वो शक्ति क्षीण होना बंद हो जाए तो वो शक्ति कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? तो वो शक्ति ऊपर जाना शुरू होगी, और ऊपर जाते जाते एक ऐसी स्टेज हो आ जाएगी कि कितना भी उस व्यक्ति को देह अभिमान में लाया जाए, कितना भी उसके साथ हरकत की जाए देह अभिमान में लाने की, मान लो कोई बलिष्ठ पुरुष है और उसको सुंदर से सुंदर स्त्रियां पेश कर दी जाए, फिर भी उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। उसको कहते हैं कुंडली शक्ति जागृत हो जाए। आज जो कुंडली शक्ति जागृत कौन ने रशिया में कर दिया आपने भारत की? क्या नाम भूल गया मैं एयरपोर्ट पे देखा था उसको, कुंडली शक्ति जागृत कर उसके लिए रशिया अमेरिका इधर उधर भागती हूँ, कौन उसका नाम याद नहीं अभी अभी 4 साल पहले उसके नाम याद नहीं आ रहा है। निर्मला है, निर्मल जी उन्होंने शक्ति जागृत कर दी। किसकी जागृत कर दी? इधर उधर घूमती है एयरपोर्ट पे, मुझे उस टाइम गया ना तो उस टाइम मुझे पता चला ना तो पुण्य जो शक्ति जागृत कर जाए लोग बोल रहे थे। तो क्या बात है, लोग बोल रहे थे ना, ना मुझे मालूम नहीं था ना उसके बारे में। जो कुंडली शक्ति जिसकी जागृत हो जाएगी वो शरीर छोड़ेगा? नहीं नहीं, वो शरीर छोड़ने की दरकार नहीं। कुंडली शक्ति जागृत कश्मीर ले दी लोगों को, मुझे शिविर में बता दीजिए कुंडली शक्ति जागृत करने का। कोई प्रोग्राम होता है ना बोलती नहीं, ये भाई जिनका नाम पता है ना तो वो आसमानी शरीर छोड़ा है कुछ दिन पहले, वो पता नहीं। ये सब कपोल कल्पित गाथाएं हैं। जब इस ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी उस समय सब दूध का दूध और पानी का पानी होने लगेगा। आप तो इससे बाबा बोलता मैं कि और जिस सत्संग पानी का पानी होने वाला है तो सब सत्संग वाले कहते हैं। आसाराम बापू भी जो भगत है वो भी यही कहते हैं। लेकिन शरीर जब उसमें जावे उसके बाद पता चलता है अच्छी बात है। तो जाते क्यों नहीं? नहीं जाने के बाद उनको भी पता चलेगा ना ये क्या है, उनको अगर कोई क्वेश्चन किया तो उनको जवाब भी नहीं देगा। वो भी यही कहते हैं। श्री श्याम प्रसाद पूछना उनको तो भी उनको जवाब देने नहीं आएगा। जवाब देने आएगा अगर मैं तो आपका बच्चा हूँ फिर मैं उनको प्रश्न पूछूंगा तो उनको जवाब नहीं देना आएगा। क्यों नहीं देना आएगा? नहीं आएगा क्योंकि मेरे आत्मा परमात्मा ज्ञान है ही नहीं उनके पास, वो सिर्फ ऐसी ऐसी बातें करते अगड़म पगड़म अपने। बाबा कहते 100 को समझाएंगे तो एक तो निकलेगा। तुमने 100 को उनके सत्संग में जाके 100 को समझाया? नहीं 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 नहीं, एक बार बताऊंगा जबकि हमने अगर उनके पास ये शक्ति होती, ये शक्ति होती तुम्हारे पास वो शक्ति है? नहीं शक्ति नहीं, लेकिन मैं हम अभी उसी अनुसार चल रहे ना, उसी अनुसार चल रहे जो बाबा जी दिए ना हमें। आप आत्मा समझो खुद को और बाप भगवान बाप को याद करो, आत्मा समझ के भगवान बाप को उनके पास क्या है? हमारा मंत्र याद करो गुरु, वो भी कहते हमारा मंत्र याद करो।
नहीं लेकिन मंत्री आपको उसी के फायदे के आगे हाँ तो तुम्हारे शिव बाबा को याद करने से क्या फायदा है अगले दिन हमारे किसको से मिलने याद पता है ना भूल जाएंगे हमारे पिछले जन्म हमें हमको सब पता है ऐसा नहीं ना बताओ फिर हमें बहन तुम जो कुछ बोलते हो हमारा जन्म ये होगा नारायण का जन्म होगा ये सब झूठी बातें हैं जबकि झूठ बोलते तुम अभी झूठ बोलते तुम अगला जन्म याद है तुम्हारा अगला जन्म कौन सी देवता का होगा कहाँ मालूम मालूम है अगला जन्म लेकिन सचिव का तो होगा ना कौन से देवता का होगा कौन से देवता ये नहीं चलो बाबा देश में एडम और इंद्र को मानते हैं दो ही मूर्तियाँ मानते हैं और भारतवर्ष की ब्रह्मा विष्णु शंकर सब तीन मूर्तियों को मानते हैं तीन मूर्तियों को मानते हैं भारत में तो माता पिता को नहीं मानते जगत पिता जगदम्बा को नहीं मानते फिर क्या बात जैसे वो मानते हैं एडम ईव को वैसे भारतवासी भी मानते हैं जगत पिता जगदम्बा को बोलते नहीं है जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वर ये हमारी जगत के आदि माता पिता हैं बाबा भगवान त्रिमूर्ति शिव भगवान हाँ तो तीनों मूर्तियाँ भगवान हैं देश विदेश में एडम ईव को मानते हो भारतवासी की मूर्तियाँ आप पूछना क्या था भारत में तीन मूर्तियों का गायेंगी ना भारत में तो सारे 3600 देवताओं को मानते हैं भगवान भारत में तीन मूर्तियों क्या सभी को मानते हैं जो आया सोई भगवान कणकण को भगवान कुत्ता बिल्ला सब भगवान अकेली तीन मूर्तियों की बात थोड़ी ही है भारतवासियों के लिए मैं अकेला नहीं आता हूँ किसके साथ आता हूँ तीन मूर्तियों के साथ आता हूँ वो तीन मूर्ति वो झंडे के तीन चैतन्य कपड़े अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं क्या प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए जब प्रत्यक्ष हुए तो ये प्रश्न खत्म हो जाता प्रत्यक्ष नहीं है तब ये प्रश्न उठता है अरे गीता माता एक नहीं है गीता माता दो हो गई एक को बच्चे ने पोल्यूट कर दिया बच्चे ने क्या गड़बड़ कर दिया है जो माता था उस माता का पति बन करके बैठ गया अपने कंट्रोल में लेके बैठ गया तो एक झूठी गीता हो गई और एक सच्ची गीता थी बाबा ये गीता का भगवान कौन है ये अभी जीत कर पाएंगे या 2018 में जब सच्ची गीता आएगी और अपने मुख से कहेगी मेरा पति जो है वो श्रीनगर भोलेनाथ ये सब होगा या अभी हो सकता है या अभी हम किस प्रयास भी कर सकते हैं ये प्रत्यक्ष करने के लिए प्योरिटी की पावर चाहिए या इम्प्योर आत्माएं भी वो कार्य कर सकती हैं
सिंसियरिटी की पावर चाहिए। बाबा को चित करना मतलब विजय पाना है। अगर बाबा को चित करके बताना है कि इंद्र का भगवान शंकर भोलेनाथ है तो किसी बात में विजय पाने के समान हो जाती है। तो ये विजय पाने के समान की बात के लिए बाबा ने बोला तो बच्चे में विजय तब होगी जब ये सन्यासी तुम्हारे सहयोगी बने। तो हम अभी जितने बाबा को चित करने चाहेंगे तो दूसरे वालों को बाबा ने बोलता पवित्रता को धारण नहीं कर सकते, कुछ परसेंट धारण कर सकते हैं। तो जब तक वो विजय वाला नहीं आ सकती तो ये बाप का जो प्रत्यक्ष का बाप या अभी नहीं किया इससे पहले भी हो सकता है चित करने की बात। गीता का भगवान कौन? जितने भी दुनिया में धर्म हैं उन सभी धर्मों के बीच में ज्यादा पावर कौन से धर्म में है? नौ धर्मों में भी वर्तमान के हिसाब से ज्यादा पावर किस में है? क्रिश्चियंस में प्योरिटी ज्यादा है, किस में ज्यादा प्योरिटी है? इस्लाम में ज्यादा प्योरिटी है, सिख में ज्यादा प्योरिटी है, जो आता ही है कलयुग के मध्य में। सनातन धर्म वालों की ज्यादा दुर्गति होती है या कम दुर्गति होती है? वो तो सबसे ज्यादा दुर्गति को पाए हुए हैं, वो पावरफुल कहाँ से हो गए? सन्यासियों ने भले असली पवित्रता को धारण नहीं किया फिर भी पवित्रता से उनको हमारे मुकाबले ज्यादा प्यार रहा जन्म जन्मांतर या कम प्यार रहा? ज्यादा प्यार रहा, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल होने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर उनका आधिपत्य है। अभी गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर किसके पांव पड़ रहे हैं? उन्हीं सन्यासियों के पांव चरणों में गिरते हैं जाकर, उनकी बातों को ज्यादा मानते हैं और कोई की बातों को नहीं मानते। तो पावर है तब तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुरली ने बोला है जो पतित होते हैं वो पावन को जाके माथा नवाते हैं। तो सन्यासियों में पवित्रता की पावर है या नहीं है? है। इसलिए जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। छोटा मोटा पद पाए लेंगे। बाबरची कहते हैं रसोईया को, अरे उर्दू में जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में पहला अक्षर अलफ है, और वो अलफ जैसे विष्णु खड़ा हुआ है ऐसे खड़ा हुआ डंडा बना दो, जैसे हिंदी का विराम है तो वो उर्दू में अलफ कहा जाता है, और उस डंडे को गिरा दो
तो नंबर दो का अक्षर कहा जाएगा। ज्यादा अच्छा नंबर अव्वल नंबर होता है या दो नंबर का अच्छा माना जाता है? अव्वल नंबर अच्छा माना जाता है। तो खड़ा डंडा है अलफ, अलफ माने अल्लाह, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, और ऊंचे से ऊंचा नीचे से नीचे, इस दुनिया की बात है या निराकारी दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है। वो कलयुग अंत की बात है। कलयुग अंत में उल्टा हो जाता है। क्या जो दिखावा करने वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म वाले, और जो भोले वाले हैं वो नीचे गिराए जाते हैं। अष्टदेव है रुद्रमाला से, जो सूर्यवंशी है ओरिजिनल, और फिर विजयमाला से उनकी सहयोगिनी शक्तियां निकलती है, क्योंकि विजयमाला में भी 108 मणके हैं। तो जो चंद्रवंश से निकलते हैं वो 8 देवियां हैं, और सूर्यवंश से निकलते हैं वो अष्टदेव हैं। और एक तो आठ क्या है? मन का कौन सा है? मन 108 में, 108 मणके रुद्रमाला में भी है, और 108 मणके विजयमाला में भी है, माने चंद्रवंशियों की माला। उस विजयमाला में रुद्रमाला के 108 मणके बाद में ऐड किए जाते हैं, तब पक्की विजयमाला बनती है। उसे कहते हैं वैजयंती माला। अंत में जिन्होंने विजय प्राप्त की, वैजयंती माला। विजयमाला तो अभी भी बन रही है, रुद्रमाला पहले बन जाती है, परंतु विजय कोई की भी नहीं है। जब दोनों मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाते हैं तो विजय हो जाती है, तब कहते हैं वैजयंती माला। विकारों पर विजय होना मन विजय पाना। बाबा आताल कुमड़ी को सीताफल क्यों कहा जाता है? आताल कुमड़ी को, कुमड़ी को सीताफल क्यों कहा जाता? आताल कुमड़ी फल है, आताल कुमड़ी को सीताफल क्यों कहा जाता है? आताल कुमड़ी का जान वो तो फल होता है, सीताफल जिसे शरीफा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बीज बैठा हुआ है ना, वो बीज बड़ा है और एकदम काला हो गया है। इसलिए वो सीताफल कहा जाता है। वो बीज राम वाली आत्मा है,
उसके बुद्धि रूपी पेट में बैठा हुआ है। उसको बहुत याद आता है। बाबा मार्फत ब्रह्मा कुमारी कोई मुरली में नहीं आया, मुरली में आया है शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। वो मुरली रिवाइज कोर्स की मुरली है या ब्रह्मा बाबा के समय की मुरली है? अंदर में करो ब्रह्मा बाबा, ये कहरा ब्रह्मा बाबा लिखना है, ऊपर लिखना है शिव बाबा, ब्रह्मा कुमारी जी नहीं लिखा है कहरा है। कौन से तारीख की मुरली है ब्रह्मा बाबा की? शरीर छोड़ने के बाद 73 में मुरलियों में चेंज करना शुरू कर दिया या नहीं कर दिया? खत्म बात हो गई। क्या क्लास में है? अरे सीधी सी बात है, ब्रह्मा शरीर छोड़ दे तब क्यारा ब्रह्मा कुमारी चलेगा, ये ब्रह्मा मौजूद है तो क्यारा ब्रह्मा कुमार चलेगा, ब्रह्मा चलेगा। तो जब शरीर छोड़ दिया, हाँ ये सच्ची गीता भी जो छपाई गई है वो क्या है, कहाँ है? ये तो लिखा है ना 73 की मुरली है, 73 में जो मुरली लिखी गई है वो ओरिजिनल है या रिवाइज कोर्स की है? तो रिवाइज कोर्स की मुरली है, है? गुलजार दादी ब्रह्मा कुमारियों में मुख्य ब्रह्मा कुमारी साबित होती है, मुख्य ब्रह्मा कुमारी तो तब साबित हो जब गुलजार दादी चैतन्य अवस्था में हो, उस समय जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो गुलजार दादी चैतन्य रहती है या मृत प्राय हो जाती है? तो कह रहा ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमारीज बहुवचन है या एक वचन है? तो क्या साबित होता है? एक गुलजार दादी के लिए बोला है ब्रह्मा कुमारी या सब ब्रह्मा कुमारियों के लिए बोला है? सभी के लिए बोला है। उनका लक्ष्य कोई एक गुलजार दादी की तरफ नहीं है, लिखने वालों का, छापने वालों का, उनका लक्ष्य है कि जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां इंचार्ज हैं वो साफ केराफ ब्रह्मा केराफ शिव बाबा हैं। और खिचड़ी की जो कथा है, खिचड़ी की कथा, हाँ ये कन्या ज्यादा करते हैं, हाँ और सुनने की कथा, हाँ।
है तो पूरा खुल जाता है, उस आत्मा के लिए काम करती है, भस्म हो जाती है। और उसका जो श्रेष्ठ कन्या है वो बाहर में पसंद करती है, उस बात को जो श्रेष्ठ कन्या है कन्या वो बाहर की दुनिया में उस पाकदारी को प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे बाबा ने वार्तालाप में बोला। तो ये श्रेष्ठ कन्या कौन सी दुनिया श्रेष्ठी को ज्यादा फॉलो करती है, प्योरिटी को ज्यादा अपनाती है। और बाबा ये तो आप एडवांस का सर्टिफिकेट है, उसमें रिवर्स से मुंगली एक्टर मेरा तो सर्टिफिकेट है, रिवर्स रिवर्स मुंगली एक्टर का प्रिंट करने के लिए। तो ये किताब इसलिए छापी गई है कि ब्रह्मा कुमारियां जो बातें बोलती हैं झूठ झूठ है, उनको ही काटने के लिए उनके ही महावाक्य उनके सामने रख दें। बाबा एक बात बाबा जो अष्टभक्ति की बात बाबा ने बताई, अष्टभक्ति की बात क्या वक्त है, बाबा ने बोला कि आठ आसमान से आठ जगह से तेरा कर दिया, आठ आसमान से आप बाबा उसका क्या तात्पर्य है, आज आपको ने कर दिया है जब उनके प्रभाव से आत्मा प्रभावित होगी तभी तो टेढ़े होंगे। अगर प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो असर पड़ेगा है? नहीं पड़ेगा। हाँ जी जो बात है वो तो हम लोग भी जानता है, भले किसी जो ज्ञान है दादा जो किला दिखा है किसी का वो तो हम लोग भी जानते हैं, उसमें बड़ा को जोड़ी निकल रही है सर पिक्चर। वो आत्मा तमो प्रधान है या सतो प्रधान है, उसी ज्ञान पर चलने से तो हमारा कल्याण होगा। अच्छा वक्र जो है वो देहधारी के लिए बोला गया है या सुप्रीम सोल के लिए बोला गया है, देहधारी के लिए बोला गया है। उसमें वाणी चलाने वाला सुप्रीम सोल है या देहधारी आत्मा है, है? सुप्रीम सोल है, वो थोड़े टेढ़ा होता है। हाँ जी बाबा निकल दिए हैं, बाबा निकल दिए, वो कंट्रोल में किसके है, सुप्रीम सोल के कंट्रोल में है। परंतु सुप्रीम सोल कृष्ण बच्चे को बहुत प्यार करता है, मुरब्बी बच्चा है, इसलिए वो बीच में अगर बोलता भी है तो माफ कर देता है। इंटरफेरेंस को विरोध नहीं करता उस समय, जैसे कोई बूढ़ा बाबा होता है और छोटे बच्चे उसके कंधे पर चढ़ करके उसकी बात को दुलकारते हैं, अपनी बात बोलते हैं, तो बाबा जो है क्रोध में आता है क्या, नहीं क्रोध में आता, बोल ले दो। क्वेश्चन कौन करेगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन करेगा, समस्या पैदा करेगा, या जिसकी समझ में आ गया वो समाधान करेगा। अरे समाधान स्वरूप बनना अच्छा है या समस्या स्वरूप बनना अच्छा है,
है, समाधान स्वरूप जो है वो क्वेश्चन करने की दरकार नहीं है, और करेगा भी तो समाधान करने के लिए, समाधान को समझाने के लिए करेगा। तो सप्तऋषि जो हैं वो अधूरे नारायण हैं, ये संपूर्ण नारायण बनते हैं, अधूरे नारायण बनते हैं। तो उनके अंदर समस्याएं रहती हैं या नहीं रहती हैं? है, रहती हैं, वो है ही समस्या स्वरूप। हाँ, बेसिक में ही है, हम कहाँ कह रहे हैं एडवांस में। और आगे नहीं बढ़ना है अभी, हैं? और आगे नहीं बढ़ना है, बाबा का रोज अच्छा नहीं है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओम शांति।